मलिक साहब, जिस तरह से आपने बताया और ये सिस्टम आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मुंबई से सीखिए, बीएमसी ने बहुत अच्छा काम वहां पर किया है। रवि मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, हम आपके पास आना चाहते थे ये जानने के लिए कि आज कहीं कोई कमी तो नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि नवाब मलिक जी से शुरुआत कर दी है चर्चा की, तो थोड़ा राजनीतिक मेहमानों से बात कर लें, फिर आपके पास आते हैं। सर राघव चड्ढा जी, आज बड़ी अच्छी बातें देखने को मिली। आपके मुख्यमंत्री ने, आपके नेता ने प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई ऑक्सीजन मॉडल से आप सीख लीजिए, और वो ऑक्सीजन मॉडल क्या है वो नवाब मलिक जी ने बहुत अच्छी तरह से यहां पर बता दिया। दूसरी बात यह कि आज आपको 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल गई, अब हर रोज आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाएगी। आप मानते हैं कि इतनी ऑक्सीजन काफी है, लगातार आप यही मांग कर रहे थे, क्या अब आप मुंबई मॉडल से, महाराष्ट्र मॉडल से सीखकर दिल्ली में तुरंत कुछ युद्ध स्तर पर काम आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जी देखने को हमें मिलेगा? सही भाई, दो तीन चीजें हैं। हम प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को 700 से अधिक मेट्रिक टन की ऑक्सीजन कल यानी 5 मई 2021 के दिन मुहैया कराई। ये बात सत्य है कि रोजाना दिल्ली की जो जरूरत है वो 976 मेट्रिक टन है, 700 हुई है, 700 से काफी राहत दिल्ली को मिली है, और हमें उम्मीद है कि ये कोटा आने वाले समय में बढ़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, मैं भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, पहला विषय। दूसरी चीज, इस समय जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस समय दिल्ली में आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड मिलाकर कुल 21,000 ऑक्सीजन पे चलने वाले बेड है। इन 21,000 ऑक्सीजन पे चलने वाले बेड्स के लिए तो ये 700 मेट्रिक टन कहीं ना कहीं आप पर्याप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसे इस्तेमाल कर 21,000 बेड चला सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस 21,000 बेड से ज्यादा युद्ध स्तर पे बेड बनाने हैं, यानी कि हमें ये बेड दुगने करने हैं, 21,000 से 42,000 करने हैं, जो हमारी रणनीति, हमारा प्लान है, और वो बन भी रहे हैं बेड युद्ध स्तर पे, उसके लिए हमें ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। जो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है अंसारी साहब, मैं जब ये बार बार बोलता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला दिया है कि हर आईसीयू बेड पर 24 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट चाहिए, हर नॉन आईसीयू ऑक्सीजन वाले बेड पर आपको 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन चाहिए। इन दोनों का जमा कर कुल बेड्स की संख्या से आप मल्टीप्लाई कर जमा करेंगे तो आप आंकड़े पे आ जाएंगे। मैंने कहा 700 मेट्रिक टन आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ठीक है, अच्छा है, काफी है, लेकिन अगर हमने इससे ऊपर जाना है, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि अगर दिल्ली को और बेड बनाने की आवश्यकता है, दिल्ली को और बेड बनाने चाहिए, अगर ये बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें थोड़ी सी और मुहैया कराइए। 700 से भी पूरी बात नहीं बनती है, लेकिन 700 आया, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं सकारात्मक ढंग से अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी चीज, जहां तक बंबई और दिल्ली के कंपैरिजन की बात है, पहली बात तो मैं बधाई देता हूं शिवसेना की सरकार को, उद्धव ठाकरे साहब को, जिनके बारे में हम लगातार बहुत अच्छी चीजें सुनते हैं। उन्होंने अगर कोई नया मॉडल ऐसा इजाद किया है जिससे इतनी राहत मिल रही है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनसे जरूर सीखेंगे, किसी अच्छी चीज से सीखने में कोई गुरेज नहीं है। मैं तो कह रहा हूं दुनिया के जिस भी कोने में कोई दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो, उससे सीख लेकर हम अपने देशवासियों की जान बचा सके तो सीख लेनी चाहिए। लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और अगर मैं सिर्फ आंकड़ों से जाऊं सईद भाई, मुंबई और दिल्ली की स्थिति जो ऑक्सीजन के संदर्भ में है, ऑक्सीजन की खपत के मामले में, वो कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड वालों की संख्या दुगनी है बंबई से, आईसीयू बेड की संख्या दिल्ली में मुंबई के कंपेरिजन में 3 गुना है, आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली में महाराष्ट्र के मुकाबले नहीं बंबई के मुकाबले ज्यादा होते हैं, और सबसे अहम चीज सही भाई, महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स हैं, इनको किसी और राज्य पे निर्भर नहीं होना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन के लिए।